ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें मिलते हैं जिससे हम ये समझ पाए कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जब कभी भी किसी भी जातक के घर में होता है तो उसके घर में कई सारी परेशानियां, कई सारी बाधाएं, तनाव और कई सारी चीज़ें लाइफ में बहुत डिस्टर्ब और ख़राब होती जाती है। कई दिनों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से ये क्रम हमेशा चलता रहता है। तो कौन से संकेत हैं जो हमें मिलते हैं कि हमारे घर में किसी व्यक्ति द्वारा या कोई भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है? देखिए, मूल बात यहाँ से समझने की आवश्यकता है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर आप अपनी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपकी मदद को लेकर है। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी जातक के घर में उसे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फील होती है, उदाहरण के लिए घर में एक अलग तरीके दुर्गंध आना, घर में आते से ही मन विचलित हो जाना, घर में जैसे ही आप एंटर कर रहे तो बहुत खराब फील करना, अच्छा महसूस नहीं करना, अगर ऐसा कई बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे घर पर है। दूसरा प्रभाव है कि बार बार कोई ना कोई घर में बीमार हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, बार बार धन की हानि हो रही है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान से हम कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तीसरा है कि विवाद, लड़ाई, झगड़े, आपस में अच्छे व्यवहार नहीं होते घर में। पहले सब सामान्य था लेकिन कुछ वक्त के बाद सब चीज़ें खराब हो गई, विवादित स्थितियाँ हो गई, पति पत्नी हो, माता पिता के बीच हो, किसी के बीच में भी जो लड़ाई और तनाव, सामान्य तौर पर नहीं, विशेष अवस्था की मैं बात कह रहा हूँ, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अगर ऐसा प्रभाव आपके घर में है तो आपको क्या करना चाहिए? ये तो आपको पता लग गया कि भाई हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम आपको को करना चाहिए कि घर में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। सुबह और शाम दो वक्त हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। दूसरा है कि कुछ भी हो जाए, कितने भी बुरे हालात हो, कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, खुद को बहुत पॉजिटिव रखना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हम खुद क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी हम खुद क्रिएट करते हैं। तो हम खुद के पास से तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, और वो अच्छा सोचने से, अच्छा समझने से, अच्छा पढ़ने से ही क्रिएट होती है। जब तक हमारा माइंड पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करेगा तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं होगी। तीसरा है गुरु मंत्र। अगर आप गुरु मंत्र का नियमित जप करेंगे, नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और बिल्कुल खुद को शांत रखें, खुद को धैर्यवान रखें, और बिल्कुल घबराएं नहीं। कुछ भी हो, कितनी भी खराब परेशानी हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, खुद को बहुत शांत रखना है। खुद को बहुत शांत जितना आप रखोगे उतनी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। जल्दबाजी नहीं करना है, क्रोध, गुस्सा, कोई भी नशा और व्यसन नहीं करना है। ओम नमः शिवाय।